अच्छा यार, जब गाड़ी की टैंकी फुल होती है ना, ऐसे फील होता है जैसे कंधों से आधा बोझ उतर गया, और इतनी खुशी होती है ना टैंकी फुल देख के। हेलो जी, वेलकम बैक। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब फिट फाट होंगे। अच्छा यार, मैं तकरीबन 200 किलोमीटर सफ़र पीछे से कर आया हूँ, तो आपको थका थका फील हो रहा होगा। तो आज मैंने सोचा था कि व्लॉग जाकर स्टार्ट करेंगे सी पैक पे। तो अभी हम पहुँच गए सी पैक पे, तो अब हम यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद के लिए। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी, गाड़ी बेचारी की कंडीशन चेक करें कैसी है। तो मैंने सोचा था कि आज इसके ना टायर्स की हवा भी चेक करवानी है, वो भी नहीं करवाई। तो अब इस्लामाबाद पहुंच के ही हवा चेक करवाएंगे, क्योंकि जब से ये गाड़ी ली है ना, आज तक भी ना इसके टायर्स की हवा भी नहीं चेक करवाई। तो बेचारी की कंडीशन चेक करें क्या हुई पड़ी है। तो ये तकरीबन ना 3-4 दिन से ना वाश भी नहीं करवाई, ऐसे रुली खुली हुई है। तो मैं क्या इस्लामाबाद पहुँच के ही इसको वाश करवाती हूँ। चले निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए। तो ये जी, अल्लाह पाक खैर करे, तो यहाँ से अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद के लिए। तो ये तोड़ो तोड़ हम सी पैक से जाएंगे, जो पीछे वाले रोड थे, खड्डे मड्डे सब कुछ मैं क्रॉस कर आया हूँ। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं। अच्छा यार, ये आपका भाई ना खाने पीने का सामान बिल्कुल साथ रखता है। ये देखें, एक डब्बे में पुलाव है, एक में खीर है, और एक में रायता सलाद है, और दो डब्बों में पता नहीं क्या है। वो जाके देखेंगे उनके अंदर क्या चीज़ है। तो ये गाड़ी भी है और साथ आपके भाई का किचन भी है, खाने पीने का सारा सामान साथ होता है। तो आज हम अपने गाड़ी की एवरेज भी चेक करते हैं कि कितनी है। यहाँ से अब हम करते हैं गाड़ी की एवरेज को ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो। तो आज हम इसकी एवरेज चेक करेंगे कि ये कितनी एवरेज दे रही है। तो अभी हम ना 15 मिनट के बाद ना, या 15 किलोमीटर के बाद इसको दोबारा देखेंगे ये कितने पे आई है। अभी तो आगे 17.8 पे, तो अभी मेरे ख्याल से कम नीचे ऊपर होगी ज़रूर, या ऊपर जाएगी नीचे आएगी, और लग रहा है जैसे कि नीचे आएगी। तो अभी 17.8 दे रही है, अब देखा ना ये आ गया 15.8 पे, तो 15.8 की एवरेज है। तो अभी इसको ना हम 10-15 मिनट बाद चेक करेंगे, तो फिर सही एवरेज आएगी भी कितनी एवरेज दे रही है गाड़ी। अच्छा जी, हम अब इसकी एवरेज चेक करते हैं। 120 की स्पीड पे ये दे रही है 16 किलोमीटर की एवरेज। तो लॉन्ग पे तो इसकी अच्छी एवरेज है 16 किलोमीटर, लेकिन शार्ट पे इतनी ज़्यादा एवरेज नहीं है। होंडा स्विक थी मेरे पास, वो भी लॉन्ग पे बहुत अच्छी एवरेज थी, लेकिन शार्ट पे ना इतनी एवरेज नहीं थी। अब शहर में ये गाड़ी एवरेज दे रही है 9-10 किलोमीटर, और होंडा स्विक भी मेरे पास थी पहले, वो भी शहर में 9-10 किलोमीटर ही देती। ये लॉन्ग के लिए इनकी बहुत अच्छी एवरेज है। अच्छा यार, ये सी पैक का सफर ना मुझे बहुत तंग करता है, पता क्यों? एक तो दूर दूर तक ना कोई गाड़ी नजर आती है, ना कुछ, ना आबादी है, दूर दूर तक आबादी भी नहीं है। तो ऐसे लगता है कि बंदा इस दुनिया में अकेला मैं ही रह रहा हूँ, और कोई है ही नहीं, इस तरह की फीलिंग आती है। सफर तो 180 किलोमीटर होता है, लेकिन ऐसे लगता है कि 1800 किलोमीटर है। इस वजह से बहुत बोर होता हूँ इस रोड पे यार मैं। अच्छा यार, अभी मैं ना एमएम रोड पे आ रहा था, तो पिछले कुछ दिनों में ना एमएम रोड को कातल रोड भी कहा जाता था। तो अभी मैंने दो एक्सीडेंट देखे एमएम रोड पे, एक बस का और ट्रेलर का। तो एक्सीडेंट देखने के बाद बंदा इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि 15-20 मिनट गाड़ी चलाने को दिल ही नहीं करता। इसलिए मैंने एमएम रोड पे ना व्लॉग बनाया ही नहीं, मैंने कहा सी पैक पे जाकर स्टार्ट करेंगे। तो वो मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देखें आप, बस की और ट्रेलर की। ओए होए यार, अभी मैंने ये बस का एक्सीडेंट देखा। अल्लाह पाक सब को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये देखें इसका शीशा किधर आया पड़ा है। लेकिन मैंने अभी उनसे पूछा है कि सब बचत हो गई ना, मतलब किसी की डेथ तो नहीं हुई? तो वो कह रहे हैं कि डेथ नहीं हुई, लेकिन ड्राइवर की टांगें टूट गई हैं। ओह हो, अल्लाह पाक माफ़ करे यार। अच्छा यार, ये दूसरा एक्सीडेंट देखें 22 व्हीलर का। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि ड्राइवर सो गया होगा, और जिसकी वजह से गाड़ी रोड से नीचे उतरी और कल्टी होगी। तो मैंने इनसे पूछा है कि ड्राइवर की बच गया है, चोटें छोटे दिन लगी? ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने बच बचा कर लिया, लेकिन उसको चोटें काफ़ी लगी हैं, तो अभी हॉस्पिटल में है। अल्लाह पाक उसको जल्द सेहत याब करे यार। और इसके अंदर लोड था, क्या चीज़ लोड थी? ये सीमेंट, सीमेंट लोड करके जा रहा था। तो यार ऐसे जब एक्सीडेंट देखता हूँ ना,
कसम से 15-20 मिनट तो गाड़ी चलाने को दिल ही नहीं करता, दिल करता है बंदा दूर हट के गाड़ी से ना खड़ा रहे चुप करके। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे यार। अच्छा ये आपके वीडियो देखते देखते हम पहुंच गए सी पैक वाले टूल प्लाजा पे, तो इधर इनको पर्ची देते हैं, उसके बाद हम एंट्री मारेंगे इस्लामाबाद वाले टूल प्लाजा पे, फिर उसके बाद हम एंट्री मारेंगे इस्लामाबाद में। तो अभी इधर काफी रश है, गाड़ियां भी काफी ज्यादा खड़ी है, ये देखें काफी लंबी लाइन है, ये देखें शीशे में, देखें शीशे में भी काफी लंबी लाइन है और मेरे आगे भी काफी लंबी लाइन लगी हुई है। तो इधर पर्ची कटाते हैं, पर्ची मैंने किधर रखी थी, हाँ ये मुझे उम्मीद है कि 250 रुपया ही होगा इसका, तो मैंने 250 रुपया पर्ची मैंने टाइम से लग करके रख ली है, तो उनको पकड़ाएंगे और निकलने वाली करेंगे क्योंकि ज्यादा देर चलें बस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। ये ले सर पूरे ना। ये पर्ची नहीं खड़े ना। हाँ हाँ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जो उन्होंने नेक्स्ट इस्लामाबाद के टूल प्लाजा के लिए पर्ची दे दी है ना, तब देंगे हम ये इस्लामाबाद वाले टूल प्लाजा पे पर्ची। ये आगे जी इस्लामाबाद वाला टूल प्लाजा, तो यहाँ हम देते हैं पर्ची। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी ये हमने इस्लामाबाद वाला टूल प्लाजा भी क्रॉस कर लिया, अब हम इंटर हो रहे हैं इस्लामाबाद में, तो सफर हमारा एंड हुआ, अब इंटर हो गया इस्लामाबाद में, तो आपको इस्लामाबाद का मजे मजे के रोड दिखाता हूं, तो फिर हम घर जाएंगे। अच्छा मेरे यारो ते दिल दाड़ो ते जाड़ो, अच्छा मेरे यारो यारो, एक बंदा कहता था यार गाल ते छोड़, उसकी नकल कर रहा था। अच्छा हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद में फाइनली, तो अभी क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं करते, अभी मैं कुछ खाऊं पीऊंगा, भूख भी लगी हुई है, सफ़र भी काफ़ी किया है, तो आप लोगों को मैंने डोन नहीं होने दिया कि मैं थकावट है, लेकिन मुझे थकावट बहुत थी, भूख भी लगी हुई है, अभी मैं खाना खाता हूं, थकावट एनर्जी बहाल करता हूं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ब्लॉग इधर एंड करते और चैनल को सब्सक्राइब करते करते जाना है, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।